हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठ गई थी और आज हमारा ऑफ है, तो आज ऑफ वाले दिन देखते हैं क्या करेंगे। वैसे इतना लेट उठे हैं कि मतलब शाम ही हो गई है अब तो, और बाहर अभी भी बहुत धूप है, तो कहीं ज़्यादा खास जगह भी जा नहीं पाए हम लोग घूमने के लिए। क्या धूप टाइम अभी हो रहा है, कहाँ से दिखता टाइम? टाइम हो रहा होगा समथिंग 4 या 5 हो रहा होगा शाम को, लेकिन धूप बहुत है इस वक्त, अभी भी बहुत धूप। बट कोई नहीं, मैं अभी मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतने दिनों से जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे मतलब खानी थी जो चीज़, वो मुझे यहाँ मिल गई है पास में, कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस के जा सकती हूँ और उसको ले सकती हूँ। और वो चीज़ क्या है? वो है मोमोज। मुझे मोमोज खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा हो रही थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, तो इन लोगों ने बोला, जो मेरी बैंडमेट्स हैं, इन्होंने बोला कि मोमोज़ की शॉप मिल गई है ऐसे ऐसे वहाँ पे, जाके आना और देख लेना। तो मैंने सोचा चले चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के मोमोज़ कैसे हैं, इंडियन वाला टेस्ट आता है कि नहीं आता। वैसे तो इंडियन ही शॉप होगी वो, बट फिर भी देखते हैं, हर जगह का हिसाब अलग होता है ना, हर जगह का टेस्ट अलग होता है। तो अभी दुबई के मोमोज़ ट्राई करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। तो वॉलेट ले लिया, चलते हैं मोमोज ट्राई करेंगे। तो ये फ्रंट वाला रास्ता है, बैक वाला रास्ता है, मैं दस जा रही कल्प का। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हमेशा ये काला जी के आगे ये जलता है, दिया जलता है, हमेशा जलता रहता है सुबह शाम। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये है साउथ इंडियन। हाय क्यूटीज, हाय क्यूटीज। चलिए, ये पीछे वाला रास्ते से मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो बैक साइड में ही है। कुछ लोग मुझे अकेले अकेले कुछ लाते हुए दिख रहे हैं जी। मोमोज खाने ना? हाँ। सीधे जाएंगे, हाँ। लेफ्ट में लेंगे, तो वहाँ पे ऐसा एक बैठने बैठने का सिस्टम है, अब वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बढ़िया मोमोज मिलते हैं। और एक प्लेट मिलने पैक करा के लाना चिकन। ठीक है, तो मैंने एड्रेस पूछ लिया, अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे। भाई इतनी मतलब अजीब सी, ऐसा लग रहा है मैं आग की भट्टी में आ गई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है रास्ते चल रहे हैं, और मैं इतना जल के आ गई हूँ उधर बहुत आगे से, अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं। देखते हैं, कॉर्नर पे बोला है, वन इज आई थिंक मोमो शॉप, ये रही, जाके पूछती हूँ है कि नहीं है। सो एवरीवन, मुझे वहाँ पे मोमोज नहीं मिली, मेरा पोपट हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं खो भी सकती हूँ, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा और मेरे फ़ोन में सिम कार्ड भी नहीं है, तो फिर मुझे पूछ के जाना पड़ेगा। देखते हैं अभी फिलहाल मुझे मिलता है कि नहीं। सो भाई, मेरा पोपट हो गया है बुरा वाला। मुझे ये भी नहीं पता कि मोमोज़ कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, मैं गुम हो चुकी हूँ, गुम दुबई शहर में। अब क्या करूँ? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोमो खा के मैं रास्ता ढूंढूं, कि पहले रास्ता ढूंढूं फिर मोमो खाऊं। फिलहाल तो मैं सिखूँ इधर। फाइनली मुझे मोमोज मिल गए, मैंने मोमोज ढूंढे इस कैफे बीन्स एंड क्रीम। मैंने रास्ता ढूंढने की बजाय मोमोज पे ध्यान दिया,
पहले मोमोज खा ली, फिर रास्ता ढूंढूंगी कुछ कुछ मतलब पहुंच ही तब वेट करना पड़ रहा है मोमोज के लिए। वैसे पहले मुझे मोमोज मिले नहीं है, जब मिले तो मुझे वेट करना पड़ रहा है। 15 मिनट बोल रहा है उन्होंने। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। पीछे कूलर चल रहा है तो आवाज़ शायद कम आएगी। अपनी आज की जो मेरे साथ अभी जो हुआ कि मैं मोमोज ढूंढने निकली, एड्रेस मुझे उन्होंने बताया बट मैं निकली पर मुझे मिले नहीं वहाँ पे जहाँ पे लोगों ने बताया था। और फिर मैंने ढूंढा इधर उधर क्योंकि मुझे चाहिए थे, क्योंकि मैं निकल गई हूँ मोमोज ढूंढने के लिए और मुझे चाहिए, तो मैंने इधर उधर ढूंढा और जब मैं घूमी तो फाइनली मुझे मिल ही गए। तो इस बात से एक बात हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को चाहें तो वो चीज़ हमें मिल ही जाती है, लेकिन उसके पीछे हमें दीजा लगानी रहनी चाहिए तभी हमें वो चीज़ मिलेगी। कुछ ज़्यादा अच्छी बातें कर रही तो भैया। और मोमोज खाने के बाद मुझे फिर अपना एड्रेस भी ढूंढना है, उस पर भी थोड़ी सी मशक्कत करनी है। तो मुझे उम्मीद है मैं अपना एड्रेस भी ढूंढ लूँगी, अभी मेरे पास फ़ोन तो है बट उसके बावजूद भी बिना फ़ोन के हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें नेट, ना ही इसमें सिम कार्ड। सो गाइस, काफ़ी सारा फालतू का ज्ञान देने के बाद मैंने जिसका इंतज़ार किया इतनी देर, वो मोमोज आ चुके हैं। और मोमोज ना देख कर के पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और जल्दी से मेरे को वेट नहीं हुआ मेरे को टेस्ट करने थे क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा वेट कर चुकी थी, तो उसको टेस्ट करते हैं। और ये मोमोज ना काफ़ी जूसी थे, इसका जो फिलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मसालेदार था, जितने मसाले की उसमें ज़रूरत थी वो सारे थे, काफ़ी सारी वेजीज थी क्योंकि वेज मोमोज मैंने ऑर्डर किए थे अपने लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे और मेरी जो क्रेविंग है ना वो भी एकदम से ख़त्म हो गई। अब मेरे को 15-20 दिन तक मोमोज नहीं भी मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है ना कि मोमोज पसंद हैं तो वो फिर चाहिए और उसके लिए फिर मैं गुम ही क्यों ना हो जाऊँ, फिर मोमोज तो चाहिए ही चाहिए। अभी इंडिया में क्या होता है कि जब भी हम मार्केट निकलते हैं, जब मैं मार्केट निकलती हूँ मैं स्पेशली, तो क्या होता है कि हर रेस्टोरेंट वगैरह में या काफ़ी सारे स्ट्रीट जो शॉप्स होती हैं तो उसमें भी मोमोज हमें अवेलेबल हो जाते हैं ईजी से, तो वैसे तो क्रेविंग नहीं होती लेकिन जब एक बार देख लो मोमोज कहीं बनते हुए तो फिर रुका भी नहीं जाता। अभी यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली हम मोमोज नहीं मिल सकते, वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे ही मिलते हैं जो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है जो वॉकिंग नहीं है, तो बार बार टैक्सी लेकर के फिर स्पेशली मोमो के लिए जाना वो भी ठीक नहीं था मुझे लगा। सो जब मुझे पता लगा कि हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं फिर वहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इंडिया में बेसिकली यही होता है कि हम लोग इजीली मिल जाता है। तो गाइस मोमोज खा लिए हैं, इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, बहुत टेस्टी थे, चटनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी लेकिन स्वीट एंड चिली फ्लेवर उसमें था, मतलब थोड़ी सी मीठी मीठी सी और थोड़ी सी ज़्यादा चिली, तो अच्छी है। मैंने पैक भी करवा लिए, चलते हैं हम घर पर, थकान हो गई है तो उनको चलते हैं और रास्ता ढूंढती हूँ मैं सबसे बड़ी पहली बार मुझे जाना कहाँ है। तो मैंने गाइस अपना रास्ता भी ढूंढ लिया, सामने मेरा होटल है फाइनली, थोड़े बहुत तो रास्ते आगे पता चल गया मुझे। अब देखो भाई कितना, यहाँ पे डॉग्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम भी, कैट्स इतनी सारी हैं यहाँ पे, स्ट्रीट कैट्स, स्ट्रीट डॉग्स बहुत कम हैं, कुछ कुछ लोग रखते हैं वो भी परमिशन लेनी पड़ती है उनकी भी तब। वही पहुंच गई मैं,
और मैंने शॉपिंग भी कर ली। होटल के अंदर आते ही जो सुकून मिलता है ना, मैं बता नहीं सकती, एकदम आराम घर जैसा फील। तो आपके लिए मैं मोमोज लेकर आई हूँ, और जिस एड्रेस पर आपने बताया था उस एड्रेस पे तो नहीं मिले है? जिस एड्रेस पे बताया था वहाँ नहीं मिले मोमोज। कोई बात नहीं, मिल गए ना। थक गई हूँ, और ये मिली है मेरी फ्रेंड से, इसका हैप्पी बर्थडे है, इसको सब सारे विश कर दो, और रेडी हो गई है, हमारा तो ऑफ है। हाँ सब विश कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवांगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, सबको थैंक्स बोल रही है, तो इनका थैंक्स रख लेना। और ये रेडी है, और हमें तो जाना नहीं है, तो मैं तो सो गई, मुझे नींद आ रही बहुत तेज तेज की। अरे मोमो ढूंढने गई, मिले मुझे, दिखे मोमोज कहाँ दिखे, जस्ट पीछे की साइड दिखे मुझे, इन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या बताया यार जगह, मुझे वहां मिले नहीं, फिर मैंने खुद ही जाके इधर उधर जाके ढूंढे। सो गाइज अभी फाइनली मोमोज मिल गए थे, और मैं सही सलामत रूम में पहुंच गई हूँ। पहले मैंने मोमोज ढूंढे, फिर मैंने यहाँ आने का रास्ता ढूंढा, तो हाँ अजीब से थकान से हो गई है। सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के बाय।